बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो एडिटिंग का टूल लाया हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट टूल है ये, आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग का शौक़ है, अगर आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप अपनी वीडियो को कई कई तरह से एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में बताने से पहले, अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है वो टूल, ये है वो वीडियो एडिटर। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें इससे पहले आपको एक वीडियो बता देता हूँ, जो मैं आपको डेमो के तौर पर दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी नॉर्मल वीडियो है जो ये हमने कैमरे से बनाए है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ दोस्तों, ये नॉर्मल वीडियो है, ये कैमरे से बनाए। अब मैं इसी वीडियो को आपको एडिट करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये है सबसे पहला, इस पर जो ऑप्शन आ रहा है वो स्लो मोशन का है। तो स्लो मोशन में आपको ही पहले ये वीडियो को स्लो मोशन में बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें हम वीडियो को जितनी छोटी जितनी बड़ी करना चाहे कर सकते हैं। मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ। चलिए अब इस पर यह है सेव, नीचे सबसे सेव स्लो मोशन वीडियो, इस पर क्लिक कर देते हैं। और इसमें से आपको ये चुनना है दोस्तों कि आपको कितनी कितने स्लो मोशन में बनाना है। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, ये देखिए कितनी फास्ट हो रही है। ये हो चुकी है, चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक बार और दिखा देता हूँ। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, वो है फास्ट मोशन। मैं फास्ट मोशन में भी आपको दिखा देता हूँ। ये वही वाली वीडियो ले लिया हो दोस्तों मैंने, और इसे थोड़ा छोटा कर दिया हो, और ये सेव फास्ट मोशन पे क्लिक करना है। और इसमें भी हमें चुनना है दोस्तों कि कितनी फास्ट करना है, तो मैं वही चुन लेता हूँ। ये डन पे क्लिक किया, ये एक्सपोर्ट हो रही है दोस्तों, ये हो गई, ये रिजल्ट आ गया उसका। ये देखिए, उसके बाद ये जो तीसरा है दोस्तों, ये है रोटेट वीडियो का है। आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। और तीसरा चौथा जो है दोस्तों, तो फ्लिप वीडियो का है, आप अपने आपकी वीडियो को फ्लिप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो उसके बाद में पांचवा जो है, तो ये है गेट MP3। मैं गेट MP3 आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो है दोस्तों, तो हम वीडियो को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो MP3 में आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सेव MP3 पे क्लिक कर दिया, ये रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये MP3 में हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, लेकिन आप अपने किसी भी वीडियो को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है दोस्तों, ये है गेट इमेज, तो आप अपनी वीडियो का वीडियो की इमेज बना सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इमेज आ चुकी है, उसकी बन चुकी है दोस्तों। और फिर उसके बाद में जो फंक्शन है दोस्तों, ऑप्शन है जो, तो वो है ऐड ऑडियो का। ये ऐड ऑडियो को देखिए, ये जैसे दोस्तों हमने हमारी वीडियो ली है, ये क्या हमारे एक दोस्त ने भी बोला था कि मुझे कोई ऐसी ऐप बताइए
कि मैं किसी वीडियो में कोई गाना रख सकूं, तो ये खास उसके लिए है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन, इसमें आप अपनी वीडियो पे कोई भी गाना रख सकते हैं, कोई म्यूज़िक रख सकते हैं, जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसलिए छोटा कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मुझे आपको जल्दी जल्दी बना के दिखाना है। मैं बड़ी रखूँगा तो ये सर्चिंग करते रहेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा इसीलिए। तो दोस्तों इसके बाद में ये आया है ऐड ऑडियो का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए इतनी ऑडियो है, हमें जो लेना है वो ले सकते हैं। मैं ये ऊपर वाली ही ले लेता हूँ। इसके बाद में ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद में सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए दोस्तों ये हमारी वीडियो तैयार हो रही है। ये हो चुकी है। ये देखिए ये हमारी वीडियो में म्यूज़िक आ चुकी है। ये म्यूज़िक दोस्तों थोड़ी देर से, अब जो इसका सबसे ख़ास फीचर है दोस्तों वो बता देता हूँ, ये है रिवर्स वीडियो। ऐसे तो इसकी एक पूरी ऐप आती है, लेकिन इसी के अंदर वो ऑप्शन भी आ गया है दोस्तों, स्लो मोशन, फास्ट मोशन सब इसी में आ चुका है। तो चलिए मैं आपको रिवर्स भी बता देता हूँ। ये वही वाली वीडियो है दोस्तों, मैं थोड़ा इसे भी छोटा कर लेता हूँ और सेव रिवर्स वीडियो। अब इसमें दोस्तों दो ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर हमें कोई ऑडियो रखना है गैलरी से तो ऑडियो रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो हम बिना ऑडियो के भी बना सकते हैं। जो इस वीडियो में ऑडियो है उसी पे बन जाएगी। तो चलिए मैं नो ऑडियो पे करके ओके कर देता हूँ। ये हमारी वीडियो तैयार हो रही है दोस्तों, अब ये हो चुकी है, रिज़ल्ट आ चुका है। चलिए इस पर दबाते हैं और ये देखिए दोस्तों एक बार और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की ऐप है, बहुत ही काम की ऐप है, और इसमें दोस्तों आप और भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तो मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाया था। और इसमें दोस्तों ये जो है ये माय क्रिएशन, इसमें जो है तो आपने अगर स्लो मोशन फास्ट मोशन में कोई वीडियो बनाए तो आपको माई उसके सामने जो माई क्रिएशन है उसमें मिल जाएगी। एड ऑडियो रिवर्स ऑडियो में, रिवर्स वीडियो में बनाए तो उसके सामने मिल जाएगी। ऐसा आपको गैलरी में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैं और ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। अभी दोस्तों हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो फ़ोटो एडिटिंग के बारे में है, आप अपनी होलोग्राम वाली फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।